बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। पालमपुर में पिछले 34 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही ब्लड बैंक सोसाइटी ने पालमपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पालमपुर के दानी सज्जनों ने 54 लाख रुपए के 4 रोगी वाहन ब्लड बैंक सोसाइटी को भेंट किए। समाज सेवी डॉक्टर राम कुमार सूद ने वेंटिलेटर तथा ICU से सुसज्जित एक बड़ी एम्बुलेंस, जो केवल 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से गंभीर रोगियों को बड़े बड़े अस्पतालों में पहुँचाएगी, तथा 8 लाख रुपए की एक साधारण रोगी वाहन भेंट किया। इसके अलावा अन्य समाज सेवी डॉक्टर सुरेश चंद्र कपिला तथा डॉक्टर वेद प्रकाश सूद ने 8 लाख रुपए की 2 एम्बुलेंस सोसाइटी को भेंट की। ब्लड बैंक सोसाइटी के चीफ पैट्रन हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल तथा पालमपुर के विधायक आशीष पटेल ने इस अवसर पर अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज की। आज ये ऐसा ब्लड बैंक सोसाइटी की आज 10 एम्बुलेंसेज पूरी हो रही है, पहले 6 थी, 4 एम्बुलेंसेज ये आज यहाँ सामने लोकार्पण हो रहे हैं। डॉक्टर राम सूद जी ने बुलेरो एम्बुलेंस दी थी हमें एक लास्ट ईयर, उसका हम कर नहीं पाए थे। डॉक्टर कपिला जी ने भी एक बुलेरो एम्बुलेंस दी थी, और आज ये डॉक्टर VP सूद हमारे SSO हैं, उन्होंने इको एम्बुलेंस हमें दी है। और सबसे बड़ी जो हमारी ज़रूरत थी ये वेंटिलेटर वाली एक एम्बुलेंस लगभग 30 लाख रुपए की है, तो डॉक्टर रामसूद जी ने इसके लिए हमें आशीर्वाद दिया है, और आज इसका लोकार्पण इन्हीं लोगों के हाथ से हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन होती है जी, वेंटिलेटर, तो इसमें क्रिटिकल पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो हमें बाकी गाड़ियों में नहीं होती है। कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ब्लड बैंक सोसाइटी के जरिए हो चाहे किसी और जगह से हो, लेकिन यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मैं सबके पालमपुर वासियों का भी बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल हिमाचल के लिए पालमपुर से आदित्य सूद। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।